जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। जी बेटा, जैसे कि आप सबको पता चल चुका है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास था बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो जी बेटा, फर्स्ट लाइन को मैं रीड कर रही हूँ यहाँ से, इस लाइन को देखिए बेटा, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आर दिस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू। जी बेटा, आप सबको पता है कि ये क्या है, रूट है किसकी, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, दिस वन, ये आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। बेटा अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कोई आंसर आएगा, या तो वो पॉजिटिव आएगा, या वो नेगेटिव आएगा, या वो जीरो आएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया, तो मेरे पास आंसर जीरो आ रहा था। तो इस तरह की मेरे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मैं आपको वो शो कर देती हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। ये देखिए बेटा, नीचे यहाँ पर देखें बेटा, डिफरेंट आपके पास ये हैं, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स, जिसमें आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को जब आपने सॉल्व किया है तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। जिस तरह के यहाँ पर देखें कि इस वाली फर्स्ट एग्जांपल में देखें, ए में जीरो आंसर आ रहा है, सेकंड में देखें 49 आ रहा है, इसी तरीके से लास्ट में देखें माइनस के 7 आ रहा है। तो जी बेटा, जब आप डिफरेंट डिस्क्रिमिनेंट की डिफरेंट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर डिफरेंट आएंगे, या तो वो पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा, या ज़ीरो आएगा। तो जब इस तरह के आपके पास आंसर आएँ तो आपने उनको किस तरीके से डिफाइन करना है कि ये किस टाइप की नेचर है, किस टाइप की रूट है, सॉरी कि रूट इसकी जो रूट की नेचर है वो क्या है। तो जी बेटा, फर्दर हम इसको ऊपर से देखते हैं कि अगर आपके पास पॉजिटिव आंसर है, जैसे कि यहाँ पे 49 आ रहा है, पॉजिटिव भी है और ये बाय चांस परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जी बेटा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट आए तो आपने क्या करना है। जी फर्स्ट पर आ जाएं बेटा आप, यहाँ पर फर्स्ट पे मैं आपको मार्क कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। दिस वन फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है आपको, इफ़ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन आपके पास रूट्स किस तरह की होंगी। अच्छा, एक तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो, और दूसरा वो कह रहा है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, जिस तरह के मैंने आपको नीचे अभी 49 दिखाया था। 49 क्या है, पॉजिटिव भी है, और 7 ज़ार 49 होता है, वो परफेक्ट स्क्वेयर भी है। तो अगर इस तरह का आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए तो रूट्स क्या कहलाएंगी। तो जी बेटा, जो आपकी रूट्स कहलाएंगी, देन द रूट्स आर रैशनल। रैशनल कोई रियल नंबर होता है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, इस आप सब फेमिलियर हैं बेटा। और क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। अनइक्वल की जगह पे बेटा डिस्टिंक्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। जब आप एमसीक्यूज में आएंगे ना इस तरह की चीज़ें, तो वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होती है, तो आपने अनइक्वल हो या डिस्टिंक्ट का लफ्ज आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फर्दर दिखाऊंगी अभी वीडियोस। जी ये कब है कि जब आपके पास पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या बनती हैं, रैशनल और अनइक्वल कहलाती हैं। नेक्स्ट टू देखें बेटा, दिस वन, इसमें वो कह रहा है इफ़ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन क्या है, एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। फर्स्ट में क्या था कि परफेक्ट स्क्वेयर था और पॉजिटिव था, तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल हो गई थी। अब सेकंड में वो कह रहा है कि रूट्स पॉजिटिव तो हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, बट नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, देन रूट्स क्या कहलाएंगी, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो वो क्या होंगी, इरेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। जी बेटा, इरेशनल का भी आप सबको पता है, जो पी और क्यू की फॉर्म में ना हो, या इस तरह के जो रेडिकल साइन के अंडर आ रही हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल। आई होप बेटा इरेशनल, अगर किसी बच्चों को इरेशनल में प्रॉब्लम है तो काइंडली वॉइस मैसेज भेजें बेटा, हम जरूर मैं आपसे डिस्कस करूँगी, फर्दर आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन बेटा, आपने 9th क्लास में जो अंडर द रेडिकल साइन आपकी वैल्यूज आती थी, वो आपकी क्या आती थी, इरेशनल। लेकिन सिर्फ वो वाली वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर ना बनती हों, जैसे कि ऊपर यहाँ पे मेंशन है, या देखें नॉट, ये वाली लाइन मैं दोबारा अंडरलाइन कर रही हूँ, ये दिस वन ये लिखा हुआ है बेटा, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ये वाली देखें, मैं सर्कल कर रही हूँ, ये देखें, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है बट ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो क्या होगा, वो इरेशनल होगी रूट और अनइक्वल भी होगी। अब इरेशनल, अब फॉर एग्जांपल 49 आ जाता, ठीक है, जैसे कि इसमें आया है 49, तो वो क्या है बेटा, आपके पास 49 परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो इरेशनल में तो नहीं आएगा ना, तो वो क्या है, रैशनल नंबर, वो फर्स्ट वाली, उसमें फर्स्ट वाली जो आपकी
रूट है नेचर की वो अप्लाई हो रही है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या बनेगा? इरेशनल, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। फर्दर हम एग्जांपल करेंगे बेटा, आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें बेटा, अब दिस वन, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है इफ़ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। पहली पहली एग्जाम्पल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी किया और यहाँ नीचे भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। जी, जब जीरो के इक्वल आ जाएगा तो रूट्स क्या होंगी? रैशनल होंगी और इक्वल होंगी। इसी तरीके से अगर फोर्थ देखें, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेट का आंसर लेस देन जीरो आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए तो वो रूट्स क्या कहलाएंगे? देन द रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जी क्लास, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये वही एग्जांपल है लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आंसर किस तरीके से आए हैं, पहले सॉल्व किस तरीके से करना है। जी बेटा, एग्जांपल नंबर वन देखें, दिस वन। जी, अब इसमें क्या है आपके पास? 9x² माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, अब आप इसको कंपेयर करें इस स्टैंडर्ड फॉर्म से तो आपके पास a की क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ देखें, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, ए एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे क्या है? 9x² है। तो जी बेटा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। नेक्स्ट देखें, ये बी एक्स है और यहाँ पे माइनस के 12x है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 12। इसी तरीके से c देखें बेटा, यहाँ c है और यहाँ ये c क्या है? यहाँ पे 4 बन रहा है कॉन्स्टेंट के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? c इज इक्वल टू 4, जो कि हमने लिख दिया है। जी बेटा, अभी हम फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। जी, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला आपने लगाना है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? वैल्यूज पुट किया आपने, बी स्क्वेयर की जगह पे आपने माइनस के 12 पुट किया। जी, इसी तरीके से माइनस का साइन एज इट इज़, नेक्स्ट 4 एज इट इज़, ए की जगह पे 9 एंड सी की जगह पे 4 पुट कर दिया। जी बेटा, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि 12 का जब आप स्क्वेयर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 144, और नेगेटिव साइन 2 टाइम्स जब होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देन बेटा, ये नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आ गया एंड जब 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 144 आएगा। तो जी बेटा, आपके पास डिस्क्रिमिनेट का आंसर आ रहा है 0। तो अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि अगर आपके पास इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास रूट्स क्या आती हैं? इक्वल, और वो क्या होती हैं? रूट्स रियल होती हैं। तो जी बेटा, नीचे यही यही लिखा हुआ है कि 2 इक्वल और रियल रूट्स आएंगी आपके पास। जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा। बी एग्जाम्पल देखें आप। जी, ग्रीन कलर में मार्क हुआ है बेटा, देखें 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी सिमिलरली मैंने कंपेयर कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो कि ऊपर लिखी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिस तरह भी फर्स्ट में किया है बेटा। जी, कंपेयर करें। जी, यहाँ पे देखें, ए ए क्या बन रहा है बेटा आपके पास? 2। जी, इसी तरीके से बी क्या बन रहा है बेटा? माइनस के 9, और सी क्या बन रहा है? माइनस के 4। डिस्क्रिमिनेट के फार्मूले में फर्दर पुट किया बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी। जी बेटा, अब आई होप आप 10th क्लास में आ गए हैं, ये छोटी छोटी सी बहुत माइनर सी इक्वेशंस हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जी, सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ रहा है 49, जो कि है एक अदद परफेक्ट स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो, पॉजिटिव हो, तो किस तरह की रूट्स आती हैं? 2 डिस्टिंक्ट्स और रियल रूट्स आती हैं, और वो क्या होती हैं? रैशनल होती हैं। जी, नेक्स्ट बेटा, आप एग्जाम्पल सी आप खुद करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, सॉल्व आप कर लेंगे। आपके पास इसमें नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? तो ये जो नेगेटिव आ रहा है बेसिकली, तो ये रियल तो नहीं रहेगा। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए तो वो इमेजिनरी बन जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाता है, तो वो रियल रूट नहीं बनेगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नो रियल रूट। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ना बेटा, इस तरह की चीज़ें समटाइम्स आपकी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती हैं, तो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि एक चीज़ को दो तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ देखें ना, कहीं भी रैशनल और इरेशनल का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ हुआ, जस्ट रियल रूट्स लिखी हुई हैं। तो बेटा, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपने इनको अपने रजिस्टर्स पर लिखना है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बोली है वो भी सारी देखें और लिखें, और इसको भी लिखें, देन आप कंपेयर करें। वर्डिंग सेम है, थोड़ी सी आगे पीछे करके लिखी हुई है ताकि आपसे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात बताती हूँ, उसको देखें बेटा।